अरे बिल्लू वो देखो पापा, अरे पापा रुको, अरे पापा ये कौन है और आपको पापा क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, अरे जाओ यहाँ से। अरे पापा ये क्या बोल रहे हो, अब तो ना आपके बेटे तो है। अरे इन्होंने क्या ड्रामा बनाया है पापा, ये है कौन? अरे बेटा मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, तो जानता भी नहीं इनको। पापा ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे छोड़ इनको, दिमाग खराब करेंगे तो। अरे पापा मुझे छोड़ो इनको, मैं देखता हूँ। अरे पापा ये क्या बोल रहे, हमारा क्या कसूर है? जाओ जाओ यहाँ से, तुम लोग कौन हो? अरे कोई तो मसला है, पापा इसके आगे हमें इशारे दे रहे हैं। अरे पापा इसको क्या बोल रही है कान में? अरे बेटा छोड़ो चलो तुम। पापा अरे सुन, ये तो वो अपना पड़ोसी नहीं है, इसके साथ ये बच्चा कौन है? चल छोड़ हमें क्या, चलो उस गाड़ी के पास पापा के वेट कर रहे हैं। आज तो हम पापा से पूछ के रहेंगे, हमें बेटी क्यों नहीं समझ रहा, आखिर बात क्या है? अरे बेटी वो आपके पापा के साथ छोटा लड़का कौन था साथ में? चाचू ये हम तो पता करना चाहते हैं, ये लड़का है कौन आखिर, और वो लड़के के सामने हमें वो बेटी समझ भी नहीं रहा था पापा, आखिर चाचू आप ही बता दो हमें बेटी क्यों नहीं समझ रहा था। अरे बेटा तेरा घर आ गया, अब तू जा, मुझे कल लेने आ जाऊंगा। हाँ अब बात आई समझ के, वो आपको क्यों नहीं बेटी समझता, छोड़ हमारा क्या। हाँ हाँ वो आए तो पूछ लो उससे, और उसकी गाड़ी तो वैसे भी यहाँ पे खड़ी हुई है, चलो। अरे भैया आखिर बात आप भी बताओ दो, क्या है बात? मैं क्यों बताऊँ बात, अपना बाप आएगा उसे पूछ लेना, और हाँ वैसे भी हम लोग पड़ोसी हैं, कल को मेरे घर में झगड़ा ना हो जाए, तू पूछ लेना वो आ रहा है। अरे पापा वो लड़का कौन था, आप इशारे करते जा रहे थे, आखिर बात क्या है? बेटी इस बात को छोड़ो और चलो घर। नहीं पापा आखिर हमें बात बताओ, क्या है वो लड़का कौन था और आप हमें इशारे दे रहे थे? बेटी असल में बात ये है कि तुम्हारी माँ को लड़के पसंद नहीं थे, तो मैंने उसको ना अलग घर में रखा हुआ था। अरे पापा वो हमारा सच में भाई है, चलो मैं मम्मा से बात करती हूँ, चलो घर। अरे पापा ये लो गाड़ी की चाबी। अरे भैया भैया, अरे पापा ये क्या बोल रही है? हाँ बेटा ये तुम्हारी बहन है, घर की मजबूरी की वजह से मैंने इन दोनों को तुमसे दूर रखा। अच्छा पापा फिर इनों को ले चलो ना घर। अब तुम उस घर नहीं, तुम हमारे साथ उस घर चलोगे, आ जाओ।